दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा। ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा होगा तो ना रोहित शर्मा खेला था ना विराट कोहली खेला था, लेकिन आज के मैच में रोहित शर्मा भी खेलेगा, विराट कोहली भी खेलेगा। मैच जबरदस्त होने वाला है। देखो वैसे अगर 99% चांस है इंडिया जीतने का, ठीक है, लेकिन ये मैच है, ओडीआई मैच है। ओडीआई फॉर्मेट आप सभी को पता है, T20 फॉर्मेट से एकदम बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से समझना क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से समझाने वाला हूँ, हर प्लेयर के बारे में एकदम पूरा स्टैट्स बताने वाला हूँ, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, प्रेजेंट रिकॉर्ड कैसा है, इस वेन्यू के अगेंस्ट कैसा खेलता है, इस ग्राउंड के अगेंस्ट कैसा खेलता है, तो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग फैंटेसी खेलते हो, सिर्फ इंडिया का जो मैच है सिर्फ उसी पे आप लोग डिपेंड मत रहो यार, और भी बहुत सारे मैचेस चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग खेलो और विन करो। तो भाई उसका जो मैं टीम देता हूँ टेलीग्राम पे देता हूँ, फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। फर्स्ट कमेंट में जाओगे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। जिस टीम से मैं खुद खेलूंगा वही टीम आप लोग को भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में, शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में ये मैच खेला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, स्पिन फ्रेंडली, मतलब यहाँ पे स्पिनर दबा के विकेट लेके जाता है, तो भाई इस ग्राउंड पे स्पिनर का बोलबाला रहने वाला है। अपने टीम में बॉलर को ज्यादा पिक करना, ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर विकेट लेके नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पिनर भी विकेट लेके दबा के जाता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे पिच रिपोर्ट और स्कोरिंग पैटर्न, टोटल 112 मैचेस खेला गया है। सेकंड बैटिंग करने वाला यहाँ पे 59 टाइम जीता है, ठीक है, 59 टाइम सेकंड बैटिंग करने वाला जीता है। और इंडिया का यहाँ पे मैक्सिमम जो रन रहा है ओडीआई में 370 और मिनिमम 105 रहा है। बांग्लादेश ने यहाँ पे मैक्सिमम 329 बनाया है और मिनिमम 58 रन बनाया है। अगर अब स्कोरिंग पैटर्न देखोगे यहाँ पे, तो सबसे जो ज्यादा रन बना है 200 से लेके 250 के बीच में। पिच रिपोर्ट और स्कोरिंग पैटर्न आपने जान लिया। अब यहाँ पे देखोगे लास्ट पांच जो मैच रहा था तो उसमें इंडिया दो बार जीता है, एक बार लॉस रहा है, दो बार नो रिजल्ट रहा है। और बांग्लादेश का देखोगे तो दो बार जीता है, तीन बार लॉस रहा है। टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस में विराट कोहली का नाम आता है। अफकोर्स इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अक्षर पटेल आज के मैच में एक अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि ओडीआई है, बैटिंग साथ में स्पिनर को भी इस ग्राउंड पे मदद मिलता है, तो विकेट भी लेके जा सकते हैं और हो सकता है कि 7 से 8 ओवर बॉलिंग भी करते हुए आपको दिखाई दे। सरदू ठाकुर भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सरदू ठाकुर एक ऑलराउंडर का भूमिका निभाते हैं। इस बार अगर आप देखोगे सरदू ठाकुर को दे दिया है बॉलिंग ऑप्शन में फंटेसी में, लेकिन पिछले बार सरदू ठाकुर को दिया था ऑलराउंडर सेक्शन में। तो बैटिंग सबसे पहले आएगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देने वाला है। यहाँ पे देखोगे लिटन दास, बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास बहुत ही अच्छा खेल रहा है। सकीब अल हसन जो बेस्ट ऑलराउंडर है, मुस्फिजुल रहमान जो इनके मैन बॉलर है। लास्ट हेड टू हेड मैचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंडिया ने 314 रन बनाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट में, 9 विकेट गिरा था, ठीक है, 50 ओवर में, जिसमें कि रोहित शर्मा 104 रन बनाया था, सेंचुरी लगाया था, जो कि अभी रोहित शर्मा देखोगे तो T20I में अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहा, लेकिन ODI में अच्छा रिकॉर्ड है। KL राहुल कमजोर टीम के अगेंस्ट में KL राहुल बहुत अच्छा खेलता है। वैसे बांग्लादेश को कमजोर टीम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी KL राहुल एक अच्छा भूमिका निभाया है बांग्लादेश के अगेंस्ट में। ऋषभ पंत 48 रन का पारी खेला था। बांग्लादेश का प्लेयर देखोगे तो 10 विकेट गिर गया था 286 रन पे, जिसमें सकीब अल हसन 66 रन बनाया था, साथ में एक विकेट भी लिया था। मुस्फिजुल रहीम ने 24 रन और लिटन दास ने 22 रन, और यहाँ पे मुस्फिजुल रहमान ने यहाँ पे 5 विकेट लिया था। तो मुस्फिजुल रहमान को ड्रॉप बिल्कुल मत करना। T20I वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं चला था, एकदम आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन ODI में अच्छा रिकॉर्ड है। इंडिया जीत गया था 28 रन से। टोटल हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं तो टोटल 35 मैचेस खेला गया, जिसमें इंडिया 30 बार जीता है, बांग्लादेश 5 बार जीता है। तो ऑन पेपर देखोगे इंडिया आगे है, और वैसे भी विनिंग परसेंटेज में नाम आता है तो इंडिया का 95% चांस है कि इंडिया ही जीतेगा। प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 में देखोगे रोहित शर्मा जो टीम के कैप्टन है और शिखर धवन दोनों ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा। फिर वन डाउन आएगा विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर पिछले अगर आपने देखा होगा मैच में श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। KL राहुल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, सरदूल ठाकुर या वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक खेलेगा। दीपक चहर, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज। उमरान मलिक को इसलिए मौका मिल रहा है क्योंकि पिछले अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड कप बोलते हैं, उमरान मलिक को इसलिए मौका मिलेगा क्योंकि पिछले अगर आपने देखा होगा ODI में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में सिर्फ एकलौता उमरान मलिक ही विकेट लेके गया था। यहाँ पे देखोगे बेंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार का बेंच प्लेयर है। कुलदीप सेन को अभी तक डेब्यू नहीं किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं एस अहमद है, राहुल त्रिपाठी जो कि IPL में अच्छा खेलता है, और रजत पाटीदार।
बांग्लादेश की तरफ से हम लोग बात करते हैं तो लिटन दास, फिर यहाँ पे अनमुल हक, सकीब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मदुल्ला बेस्ट ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। आफिफ हुसैन है, मेहदी हसन मिराज है, ये भी ऑलराउंडर है, शरीफुल इस्लाम है, नसूम अहमद है, मुशफिकुर रहमान है और इबादत हुसैन है। इबादत हुसैन खेलता है तो इम्पोर्टेंट होगा, अपने टीम में जरूर रखना। बेंच प्लेयर की बात करते हैं, यहाँ पे हसन महमूद है, आसिर अली है, नजबुल हुसैन संटो है और तास्किन अहमद बेंच प्लेयर में है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैट्स के बारे में, यहाँ पे समझेंगे एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीम इंडिया के बारे में। टीम इंडिया का अगर प्लेयर देखोगे तो रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा, 233 मैच खेल चुका है, टोटल अगर देखोगे स्टैट्स का तो 9376 रन बना चुका है और यहाँ पे देखोगे 48 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 89 ओडीआई में। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे 53 रन, 15 रन, 2 रन, 15 रन और 28 रन, मतलब मोस्टली देखोगे ओडीआई में 28 रन को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। कम से कम 30 प्लस रन बनता है ओडीआई में तो आपको एक बेटर पॉइंट देखते हुए दिखाई देगा। हाँ, एक बार अच्छा खेला है, बाकी 4 बार फ्लॉप रहा है, लेकिन ये मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट में तो रोहित शर्मा आज आपको एक अच्छा पॉइंट देते हुए दिखाई देगा। बांग्लादेश के अगेंस्ट में 13 मैच में 660 रन बनाया है और 60 का एवरेज है, तो बांग्लादेश के अगेंस्ट में एवरेज अच्छा है और इस वेन्यू पे 33 का एवरेज है। राइट हैंड बैट्समैन है, हम अपने स्मॉल लीग टीम में लेके चलेंगे, रोहित शर्मा हमारे स्मॉल लीग टीम का हिस्सा होगा, ओके। ग्रैंड लीग में हम चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं रोहित शर्मा पे, ठीक है। अब बात करते हैं शिखर धवन। शिखर धवन ओडीआई में बहुत ही अच्छा खेलता है और भाई 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, इसलिए अभी बहुत सारे ओडीआई मैचेस चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। शिखर धवन पिछले मैच में भी अच्छा खेला था और भाई शिखर धवन को ड्रॉप हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओडीआई में बहुत बेस्ट खेलता है, 164 मैच में 6775 रन बनाए, 44 का एवरेज है और बांग्लादेश के अगेंस्ट में देखोगे तो 8 मैच में 317 रन बनाया है, 39 का एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है, इस वेन्यू पे 45 का एवरेज है। तो यहाँ पे देखोगे हर जगह एवरेज बहुत ही शानदार है, तो हमारे स्मॉल लीग टीम में होगा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ओपनिंग करते हुए दिखाएगा तो स्मॉल लीग टीम में हम लेके चलेंगे, चाहो तो दोनों को कैप्टन वाइस कप्तान भी बना सकते हो। विराट कोहली के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बांग्लादेश के विरुद्ध विराट कोहली का बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड है, सेफ कैप्टन आपके लिए विराट कोहली हो सकता है, 12 मैच में 680 रन बनाया है और 75 का एवरेज है बांग्लादेश के अगेंस्ट में, और यहाँ पे देखोगे रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है, नॉट आउट खेला है एक बार 64, एक बार 62, तो दो बार नॉट आउट पारी खेला है, 50 मैक्सिमम 50 रन बनाया है, इस वेन्यू पे 14 मैच खेला है, 786 और 78 का एवरेज है और टोटल 57 का एवरेज है। तो विराट कोहली अभी गजब के फॉर्म में चल रहा है, चाहे T20 मैच हो, ODI मैच हो, हर मैच में अभी शानदार चल रहा है। 2 साल 3 साल तो अपने फॉर्म से जूझ रहा था, लेकिन अब जो फॉर्म में आया है विराट कोहली तो खतरनाक फॉर्म में आया है। अभी अगर देखोगे तो सेमीफाइनल तक ले जाने में सबसे बड़ा जो हाथ था विराट कोहली का हाथ था, हर मैच में अच्छा खेला है, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप। श्रेयस अय्यर ODI में अच्छा खेलता है, नो डाउट, यहाँ पे देखोगे 49, यहाँ पे 80, दो बार, एक बार बैटिंग ही नहीं आया, यहाँ दो बार फ्लॉप रहा है, बांग्लादेश के विरुद्ध में कोई रिकॉर्ड है नहीं तो श्रेयस अय्यर के साथ हम जाना चाहेंगे। इंडिया का मैक्सिमम प्लेयर को हम अपनी टीम में रखेंगे। KL राहुल, तो KL राहुल के बारे में डिस्कस करते हैं, 5 रन, 51 रन, 50 रन, 9 9 9, मतलब टोटल 5 मैच खेला है जिसमें कि 3 मैच में फ्लॉप रहा है और 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बांग्लादेश के अगेंस्ट में एक ही मैच खेला था अभी रिसेंटली, 77 रन का पारी खेला था, 45 मैच में 1665 रन बना चुका है, 45 का एवरेज है, तो हम अपनी स्मॉल लीग टीम में KL राहुल के साथ जाना चाहेंगे, मतलब हम 5 बैट्समैन के साथ जाना चाहेंगे, हम अपनी टीम में 5 बैट्समैन रख लें तब जब इंडिया पहले बैटिंग करेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो हमारी टीम में रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, ये 5 बैट्समैन हमारी टीम में रहने वाला है। ऋषभ पंत के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मैं फिलहाल मैं अपनी टीम से ऋषभ पंत को ड्रॉप कर रहा हूँ, बैटिंग ऑर्डर अगर बहुत ही नीचे है तो ऋषभ पंत का एक तो बैटिंग आने का चांस ज़्यादा लग नहीं रहा है, ऊपर से अगर आएगा भी तो ओवर कम मिलने वाला है और वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो मैं अपनी टीम में ऋषभ पंत को नहीं रख रहा हूँ। वैसे अगर स्टैट देखोगे तो यहाँ पे 10 रन, यहाँ पे मतलब टोटल यहाँ पे देखोगे 5 मैच में, 1 मैच में तो बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी नहीं आया, बैटिंग आया ही नहीं, लेकिन 4 मैच में फ्लॉप रहा है, ठीक है। बांग्लादेश के अगेंस्ट में अच्छा रिकॉर्ड है, एक मैच खेला था, 48 रन बनाया था, GL में ट्राई कर सकते हो। अक्षर पटेल के बारे में डिस्कस करते हैं, ये आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बांग्लादेश के अगेंस्ट 5 मैच खेला है, 3 विकेट लिया है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेगा,
ठीक है, अक्षर पटेल अगर आप चाहो तो अपनी टीम में ऑलराउंडर में रख सकते हो। 44 मैच में 273 रन बनाया। फिलहाल मैंने नहीं रखा, सरदुल ठाकुर का रखा है, इसको मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। बहुत कम लोग इसको अपनी टीम में पिक कर रहा है, लेकिन आज के मैच में सरदुल ठाकुर अच्छा पॉइंट देके जाएगा। यहाँ पे देखो कि एक एक विकेट लेके जा रहा है, यहाँ पे 33 रन भी बनाया था, यहाँ पे 51 रन बनाया था। इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो सरदुल ठाकुर को हो सकता है कि 5-10 ओवर मिल सकता है बैटिंग। दीपक चहर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आज के मैच खेलता है दीपक चहर तो डिफेंशियल पिक हो सकता है, पावर प्ले तत्व में बॉलिंग करेगा। 11 मैच में 15 विकेट ले चुका है, अभी फॉर्म उतना शानदार है नहीं। उमरान मलिक अगर खेलता है तो उमरान मलिक को अपनी टीम में रख लेना, क्योंकि अगर आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के विरुद्ध भी 2 विकेट लेके गया था भाई। अभी उमरान मलिक अच्छा विकेट लेके जा रहा है, तेज बॉलिंग करता है भैया, राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करता है। 3 मैच में 3 विकेट लिया, पावर प्ले तत्व में बॉलिंग करेगा। मोहम्मद सिराज के बारे में डिस्कस करते हैं। सिराज अभी गजब के फॉर्म में है और इसको इसलिए हर मैच में चांस मिल रहा है। 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 13 मैच में 23 विकेट लिया है। तो सिराज को तो खैर आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो, जैसे आप विराट कोहली को नहीं कर सकते हो, वैसे सिराज को भी ड्रॉप बिल्कुल मत करना। पावर प्ले तत्व में बॉलिंग करेगा। तो भाई इंडिया की टीम में अगर आप देखोगे तो 7 प्लेयर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, जिसमें सिराज कन्फर्म है हमारी टीम में, 5 बैट्समैन हो गया, 6 हो गया, एक और हम सरदुल ठाकुर को रख रहे हैं। बेंच प्लेयर की बात करते हैं, कुलदीप सैन है, अगर खेलता है तो अच्छा रिकॉर्ड है, 13 मैच में 25 विकेट लिया है। रजत पाटीदार अगर खेलता है तो ओपनिंग करेगा, वैसे चांस है नहीं। राहुल त्रिपाठी है, ठीक है, 1 डाउन 2 डाउन हो सकता है खेलेगा, तो अय्यर की जगह खेल सकता है। फिर वाशिंगटन सुंदर की बात करते हैं, तो अगर ये खेलेगा तो सरदुल ठाकुर की जगह खेलेगा या अक्षर पटेल की जगह खेलेगा। 9 मैच में 145 रन बनाया, 8 विकेट लिया है। शहबाज अहमद 2 मैच में 3 विकेट लिया है। अब हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश के प्लेयर के बारे में। तो बांग्लादेश के प्लेयर के बारे में सबसे पहले नाम आता है लिटन दास। अभी T20I में लिटन दास बहुत ही अच्छे फॉर्म में था, हर मैच में अच्छा खेला। इंडिया के अगेंस्ट में भी लिटन दास ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में अगर लिटन दास रनआउट नहीं होता तो शायद उस मैच में भी बांग्लादेश जीत जाता। तो भाई लिटन दास अभी गजब के फॉर्म में, 57 मैच में 1875 रन बनाया, 35 का एवरेज है। इंडिया के अगेंस्ट में 33 का एवरेज है, 19 मैच में 596 रन बना चुका है। इस वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, 34 का एवरेज है और ओपनर है, साथ में ओपनर है, तो मैं अपनी टीम में लिटन दास को लेके चल रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं, लिटन दास आज फ्लॉप हो सकता है तब जब इंडिया पहले बैटिंग करे। अगर आज इंडिया पहले बैटिंग करता है और अगर 300+ रन बन जाता है तो लिटन दास फ्लॉप होगा, ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया। तो ग्रैंड लीग में आप फ्लॉप कर सकते हो अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, वैसे स्मॉल लीग में हम लेके चल रहे हैं। अनामुल हक के बारे में डिस्कस करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट में 40 का एवरेज है, इस वेन्यू पे 24 का एवरेज है। वैसे रिसेंट फॉर्म देखोगे तो 5 मैच में सिर्फ 1 मैच में परफॉर्मेंस दिखाया, मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूं। शकीब अल हसन नो डाउट कैप्टन का भी, कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है शकीब अल हसन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेगा। सेफ कैप्टन अगर आपको चूज करना है, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सेफ कैप्टन चूज करना है जो कि कंफर्म पॉइंट देके जाएगा, वो है शकीब अल हसन। हो सकता है कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये लोग आपको कम पॉइंट देके जा सकता है, लेकिन शकीब अल हसन आपको डेफिनेटली आपको एक अच्छा पॉइंट देके जाएगा, क्योंकि बैटिंग करेगा 1 डाउन, साथ में बॉलिंग 10 ओवर करेगा, तो 2 से 3 विकेट जरूर लेने वाला है। तो भाई शकीब अल हसन आपके लिए सेफ कैप्टन है, चाहो तो आप 10 टीमों में भी कैप्टन बना सकते हो शकीब अल हसन को, ठीक है। यहां पे देखोगे तो यहां पे उतना शानदार रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में 18 मैच खेला है, 6 विकेट लिया है और यहां पे 36 का एवरेज है। रन बहुत शानदार बनाया है इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है, इस वेन्यू पे 122 विकेट ले चुका है, 85 का एवरेज है, 85 मैच में 122 विकेट लिया है, सोचो कितना खतरनाक है इस वेन्यू पे रिकॉर्ड। मुस्तफिजुर रहीम के बारे में डिस्कस करते हैं, 22 मैच में 628 रन बनाया है, ठीक है, ओडीआई का ये भी बेस्ट प्लेयर है। जैसे अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड की तरफ से ओडीआई में केन विलियमसन जैसे बहुत अच्छा खेलता है, वैसे मुस्तफिजुर रहीम ओडीआई में बहुत अच्छा खेलता है, तो चाहो तो अपनी टीम में मुस्तफिजुर रहीम के साथ जाओ। विकेट कीपर में मुस्तफिजुर रहीम के साथ ही जाना आपके लिए बेटर होगा, इस सब पन से ज्यादा पॉइंट देके जाएगा। अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट में, 34 का एवरेज है। मोहम्मदुल्ला के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी बेस्ट ऑलराउंडर है, आपको 4 से 5 ओवर बॉलिंग भी करते हुए दिखाई देने वाला है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेगा। 2 विकेट लिया इंडिया के अगेंस्ट में, उतना खास विकेट लिया नहीं है, इस वेन्यू पे भी नहीं लिया क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, लेकिन रन ठीक ठाक बनाया, 35 का एवरेज है, ठीक है। जीएल में अब बात करते हैं आफिफ हुसैन, आफिफ हुसैन के बारे में डिस्कस करोगे तो 19 मैच में 481 रन, 43 का एवरेज है, ठीक है, और एवरेज है ठीक ठाक है, ओडीआई में ठीक ठाक है। अब आपको एक बात बताता हूं, जीएल में हम आपको 2 रिस्की प्लेयर बता रहे हैं, एक मोहम्मदुल्ला है और एक है
आफिफ हुसैन, ये दो प्लेयर को जीएल में आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, ठीक है। मेहदी हसन मिराज के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया के कक्ष में दो मैच खेला है, 74 रन बनाया है, 0 विकेट लिया है। इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है मिराज का, 9 मैच में 18 विकेट लिया है, 2 विकेट इसके खाते में आ सकता है अगर पहले बॉलिंग करेगा तो। सरफुल इस्लाम इस वेन्यू पे 5 मैच खेला, 5 विकेट लिया, मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूं, ठीक है। नसूम अहमद के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एवरेज रिकॉर्ड है, 3 विकेट, 1 विकेट लेके जा रहा है। मुस्तफिजुल रहीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, लेफ्ट आर्म मिडफास्ट बॉलिंग करेगा। इंडिया के टीम में देखोगे राइट हैंडर्स है, जैसे ओपनिंग में आएगा कौन, रोहित शर्मा, ठीक है, राइट हैंडर्स बैट्समैन है। तो मुस्तफिजुर रहमान जो है ओपनिंग पावर प्ले में बॉलिंग करेगा और विकेट लेने का चांस रखता है। इंडिया के अगेंस्ट में 7 मैच खेला है, 20 बार विकेट ले चुका है, बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। इकोनॉमिक भी शानदार है, 47 विकेट लिया इस वेन्यू पे। तो भाई मुस्तफिजुर रहमान को आप चाहो तो वाइस कप्तान भी बना सकते हो, सेफ वाइस कप्तान। सकीब अल हसन को कैप्टन, मुस्तफिजुर रहमान को वाइस कप्तान आप मैक्सिमम टीमों में बना सकते हो। तो हमारे स्मॉल लीग टीम में रहेगा, कन्फर्म रहेगा। इबादत हुसैन नो डाउट बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, 1 मैच खेला है अभी रिसेंटली, 2 विकेट लिया था, 2 विकेट। इबादत हुसैन को ट्राई कर सकते हो तब जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे, ओके। यहाँ पे देखते हो बेंच प्लेयर में हसन महमूद है, 5 मैच में 8 विकेट लिया है, इंडिया के कक्ष में कोई रिकॉर्ड है नहीं। आसिर अली के बारे में डिस्कस करते हैं, तो 6 मैच में 53 रन बनाया है। नजमुल हसन संटो 13 मैच में 189 रन बनाया है। तास्किन अहमद 51 मैच में 67 विकेट लिया है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेयर बैटल के बारे में। तो प्लेयर बैटल में देखोगे शिखर धवन के खिलाफ शकीब अल हसन का रिकॉर्ड है, 2 बार आउट किया है। विराट कोहली का शकीब अल हसन ने 3 बार आउट किया है, और रोहित शर्मा को देखोगे मुस्तफिजुर रहमान ने 3 बार आउट किया है। दोस्तों चलिए अब हम लोग फैंटेसी टीम क्रिएट करते हैं। मैंने एक टीम बनाया आपके सामने है, देखो, जिससे 2 विकेट कीपर के साथ मैं गया हूं। एक तो मुस्तफिजुर रहीम, क्योंकि ओडीआई का शानदार प्लेयर है, केएल राहुल, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर। अब आप सोचोगे कि इंडिया के तो सारे बैट्समैन को मैं अपनी टीम में भर लिया हूं। ये टीम तब आपको काम देगा जब इंडिया पहले बैटिंग करेगा, ठीक है। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा ना, तो फिर यहाँ पे आप 1-2 प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि केएल राहुल को ड्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है, उसके जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हो या ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो, जैसे अक्षर पटेल हो गया, ठीक है, या वसिंग्टन सुंदर खेलता है उनके साथ, या उमरान मलिक के साथ जा सकते हो। तो भाई अगर इनमें कोई भी चेंजेस हुआ ना, तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, जिस टीम से मैं खुद खेलूंगा वही टीम दूंगा। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। फिलहाल टीम के बारे में थोड़ा समझो आप, देखो 5 बैट्समैन को लिया हूं। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता टॉस जीत के, तो कुछ इस प्रकार का मेरा बैट्समैन होगा, 5 बैट्समैन होगा, ठीक है। सबका फॉर्म बहुत ही शानदार है। लिटन दास को मैं अपनी टीम में ट्राई किया हूं, क्योंकि अगर इकलौता देखोगे बांग्लादेश में अभी रिसेंटली जो अच्छे फॉर्म में है लिटन दास है। मुस्तफिजुर रहीम ओडीआई में बहुत बेस्ट खेलता है। शकीब अल हसन को आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो, इसको तो आप कैप्टन भी बना सकते हो, मैंने इसको वाइस कप्तान बनाया, मैं तो बोलता हूं कैप्टन बना देना। और मुस्तफिजुर रहमान जो इनके मैन बॉलर है। यहां पे बात करते हैं सरदू ठाकुर को मैं अपनी टीम में क्यों लिया हूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बैटिंग से भी पॉइंट देके जाता है, बॉलिंग से भी। मोहम्मद सिराज को मैं अपनी टीम में क्यों लिया हूं, क्योंकि सिराज इकलौता ऐसा बॉलर है जो अभी अगर आप देखोगे T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेला था, ODI में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, 3-3, 4-4 विकेट लेके जा रहे हैं, तो अभी गजब के फॉर्म में है। अब यहां पे बात करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा मुझे बैट्समैन लग रहा है, 4 बैट्समैन बहुत ही बेटर है इंडिया में, 4 बैट्समैन जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, धवन, और मैं अय्यर को ले लिया, तो ये 4 मुझे काफी लग रहा है। केएल राहुल मुझे एक एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन केएल राहुल अगर कीपिंग करेगा ना, तो आपको कीपिंग से भी पॉइंट देके जाएगा। और मान लो 45 ओवर के बाद भी बैटिंग आया और 35 रन बना दिया, तो लगभग 50-60 पॉइंट देके आपको चला जाएगा। 60 पॉइंट दिया तो ऑलमोस्ट 2 विकेट अगर कोई बॉलर लेगा तो उसके उतना पॉइंट मिल जाएगा। तो केएल राहुल के जगह आप चाहो तो उमरान मलिक या तो अक्षर पटेल, ठीक है, या वाशिंगटन सुंदर में से कोई भी खेलेगा तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। बस ये टीम है, बहुत ही मुझे बेस्ट टीम लग रहा है, मैंने एक बेस्ट टीम सोच के बनाया है। इनमें कोई भी चेंजेस हुआ तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, ओके। तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको फर्स्ट कमेंट में, जाओ क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।